राज्य परिवहन निगम की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। इसकी मिसाल पुलगांव का बस स्थानक है। पुलगांव बस स्थानक पर लाउडस्पीकर के सहारे उद्घोषणा की जाती है कि फला फला गांव को जाने वाली बस फ्लैट क्रमांक अमुक अमुक पर आएगी, लेकिन उस उद्घोषणा कर प्रवासी जब उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो पता लगता है कि बस कहीं और प्लेटफॉर्म से दूर खड़ी है और बस में बैठने हेतु भागदौड़ शुरू हो जाती है। कई बार तो बुजुर्ग प्रवासी दौड़ लगाते जब बस तक पहुंचते हैं तब बस यात्रियों से पूरी भर चुकी होती है। यह बड़ा सवाल है कि पुलगांव में बस स्थानक पर अलग अलग गांव जाने के लिए चार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बस किस गांव जाएगी का उल्लेख है। यात्री उस प्लेटफॉर्म पर बस पकड़ने हेतु इंतजार करता है और नियंत्रक कार्यालय से उद्घोषणा भी होती है, किंतु उस उद्घोषणा का पालन होते कहीं नजर नहीं आता। पुलगांव बस स्थानक पर प्रवेश द्वार से थोड़ी दूरी पर बस स्थानक की इमारत के पास खाली जगह पर पुलगांव में उतरने वाले यात्रियों को यदि उतार दिया गया और फिर यदि बस को प्लेटफॉर्म पर लाया गया तो जो प्रवासी बस में चढ़ने वाले हैं उनको सुविधाजनक होगा, लेकिन न जाने क्यों पुलगांव बस स्थानक पर इस नियम की अनदेखी की जा रही है। यह यात्रियों के समझ से परे है। यदि प्लेटफॉर्म बने हैं और उस पर गाड़ी न खड़ी करना, यह तो परिवहन निगम के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। क्या परिवहन निगम इस बात को गंभीरता से लेकर यात्रियों के प्रवास को सुखदायी बनाएगा या फिर मनमानी कारभार को बढ़ावा देगा, यह आने वाला समय बताएगा। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, पुलगांव।